बंगाल टाइगर की रक्षा। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बंगाल का टाइगर बंगाल टाइगर है। इनकी प्रजातियां बंगाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। हमारे देश किसान बंगाल टाइगर की प्रजातियां खत्म होती जा रही है। ये कहानी उसी बंगाल टाइगर पे है। सुंदरवन जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम ब्रायनो था। वह जंगल के बीचों बीच में आया और सभी जानवरों को बुलाया और बोला कि हमारे जंगल में कुछ शिकारी आ गए हैं, अगर आप अपना जान बचाना चाहते हो तो जंगल में छिप जाओ। वो लोग बंगाल टाइगर की बात कर रहे थे तो चग्गू बंदर बोला, वो शिकारी बंगाल टाइगर को पकड़ने आए हैं। तभी झाड़ियों से आवाज़ निकालते हुए बंगाल टाइगर निकला और कहने लगा, मुझे माफ़ करिए, वो शिकारी मुझे पकड़ने इस जंगल में आए हैं। तो तुम ही बंगाल टाइगर हो, मगर तुम खुद को शिकारियों का जिम्मेदार क्यों समझते हो? वह रोते हुए कहा, मेरा नाम रैम्बो है और मैं पास के जंगल में रहता हूँ। हमारे जंगल में केवल बंगाल टाइगर रहते थे। कुछ शिकारियों ने हमारे जंगल पर हमला कर मेरे कई साथियों को मार डाला। मैं जान बचाकर यहाँ भाग आया, मगर सभी जानवर उसके आने से खुश नहीं थे क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। चग्गू बंदर बोला, चाहे कुछ भी हो, जंगल में ये टाइगर नहीं रह सकता, इसे यहाँ से जाना ही होगा। जानवरों में कोई कह रहा था कि ये यहीं रहेगा, कोई कह रहा था नहीं, ये टाइगर यहाँ नहीं रहेगा। ज़्यादा जानवर चाहते थे कि बंगाल टाइगर नहीं रहे। टाइगर ने खुद ही कहा कि मैं चला जाता हूँ। बहुत सारे जानवर टाइगर को रोकना चाहते थे लेकिन वह नहीं रोका और चला गया। तभी झाड़ियों से शिकारियों की आवाज़ आने लगी, सभी जानवर छिप गए। कुछ देर बाद वहाँ से शिकारी गुजरे जिनका नाम अयान और अरसलान था। मुझे लगता है अरसलान टाइगर रैम्बो यहीं आया होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। वो लोग उसी रास्ते पे चल दिए जिधर रैम्बो गया था। उन दोनों के जाने के बाद राइनो लोमड़ी जग्गू बंदर के पास पहुंचा। उसने जग्गू बंदर से कहा कि पता करो कि शिकारी कहाँ जा रहे हैं। जग्गू बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाते लगाते उन शिकारियों के पास पहुंच गया। जग्गू बंदर जल्दी से अपने जंगल पहुंचता है और सारे जानवरों को इसके बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर राइनो बोलता है, हमें बंगाल टाइगर रैम्बो को खतरे से बचाना ही होगा, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। वो शिकारी हमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मगर हमारी मदद जंगल के राजा शेर खां तो कर सकते हैं। हाँ जी, ये तो तुम सही कह रहे हो। राइनो और जग्गू राजा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर शेर खान कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। उस बंगाल टाइगर को बचाने में अगर तुम लोग पहले ही उस बंगाल टाइगर को इस जंगल में रहने देते तो आज ये हादसा ना होता। खैर छोड़ो, चलो हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो शिकारी उसे शहर लेकर चले जाएंगे। और शेर खान राइनो और जग्गू दौड़ते दौड़ते शिकारियों के पास पहुंच जाते हैं और शेर खान ज़ोर से दहाड़ मारता है और उनमें से एक शिकारी अरसलान पर झपट पड़ता है, मगर अरसलान और आयान किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से भाग खड़े होते हैं और चूहा जाल को कतर देता है। इस तरह बंगाल टाइगर बच जाता है। रैम्बो, तुम जंगल में रह सकते हो और जग्गू की बात का बुरा मत मानना, वह तो ऐसे ही मना कर दिया था।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर खां जी। मुझे जग्गू की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और दोस्त रायनो, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची, शुक्रिया तुम्हारा। मगर इंसानों की वजह से हमारी प्रजाति आज भी खतरे में है। उन्होंने बहुत से बंगाल टाइगर भाई बहनों को मार डाला है। शुक्रिया की कोई बात नहीं मेरे दोस्त रैम्बो, आज से हम दोस्त है और अब तुम इस जंगल में बिना किसी डर के रह सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह रायनो, जग्गू, शेर खां और नन्हे चूहे ने रैम्बो की मदद कर बचा लिया। मगर आज भी रैम्बो की प्रजाति बंगाल टाइगर खतरे में है। हमारे देश भारत की सरकार ने शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे हमें सीख मिलती है बच्चों कि अगर कोई भी इंसान मदद मांगने के लिए आए तो उसकी हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए और आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।